सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। तस्करी पर एक बार फिर सख्ती करते हुए बालूमाथ एसडीपीओ रणवीर कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई कर थाना क्षेत्र के सिरगढ़ा से बीती रात अवैध कोयला लदा एक ट्रक के साथ तीन तस्करों को दबोच लिया है। जबकि बुकरू साइडिंग से भी पुलिस ने कोयला लदा दो ट्रक और लोडिंग कार में लगे एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। इस मामले में दो लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ रणवीर सिंह ने कहा कि पुलिस कप्तान को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई अलग अलग साइडिंग पर की गई, जिसमें तीन ट्रक समेत एक हाईवा को जब्त किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। सिरेगढ़ा गांव से एक ट्रक पकड़ाया है जिसमें अवैध कोयला लगा हुआ था, जिसमें तीन व्यक्ति पकड़ाए हैं और दूसरा एक बुकरू साइडिंग के नज़दीक से सीसीएल सिक्योरिटी के द्वारा एक पेलोडर और दो ट्रक अवैध कोयला लोडेड हैं उनको पकड़ा है, जिसमें दो आदमियों की गिरफ्तारी हुई है और एक तीसरा गुल्ली टांड जो एसएसटी की टीम के द्वारा 97,500 रुपये बरामद किए हैं अभी तक। इसमें एक ट्रक जो पकड़ाया है सिरगढ़ा से वो लोडेड था और लेके जा रहा था, उसमें सूचना मिली थी, थाना प्रभारी की टीम ने जाकर के उसको पकड़ा था और दूसरी जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसमें कोयला लोड था, कुछ दोनों गाड़ियों में कोयला लोड था और वहाँ एक पेलोडर खड़ा हुआ था, तो इनका कहना है कि जस्ट उसको लोड किया गया था, गाड़ी जाने के लिए तैयार थी, उससे पहले इनको पकड़ लिया गया।